नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप एक स्टोर सुपरवाइजर हैं तो आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आप अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्या क्या सवाल जनरली पूछे जा सकते हैं ताकि आप आसानी से वो इंटरव्यू क्लियर कर सकें। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि लोग अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकें, मकसद ये भी है कि लोग वीडियो देख के ये जान सके कि एज ए स्टोर इंचार्ज उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं एग्जिस्टिंग कंपनी में और उसको कैसे अपने स्टोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट स्टार्ट। एज ए स्टोर इंचार्ज सबसे पहले तो हमें अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए कि हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जॉब डिस्क्रिप्शन या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, कि कंपनी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कि हमने कंपनी को किस किस एरिया में रिजल्ट देना है। उसके बाद में जो दूसरी चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कि आप रिज्यूमे के ऊपर कोई भी ऐसी चीज ना लिखें जो आपने एक्चुअल में ना की हो। मतलब कि हमें रिज्यूमे के ऊपर कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। होता क्या है, अक्सर हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं रिज्यूमे को और इंटरव्यू देने चले जाते हैं, हमें आधी चीजें पता ही नहीं होती जो हमने अपने रिज्यूमे के अंदर लिखी होती है। तो हमने खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो जो चीजें हमने पिछली कंपनी में करी हैं या जो जो सिस्टम्स हमने पिछली कंपनी में लागू किए हैं, हमने वही सिर्फ अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करना है। इसके अलावा कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन हमें अपने रिज्यूमे में नहीं देनी है। इसके बाद में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है किसी भी स्टोर सुपरवाइजर से, कि फीफो और लीफो क्या है। तो दोस्तों जो फीफो होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या हुआ कि जो मटेरियल पहले आया है वही पहले जाएगा, उसको हमने पहले कंज्यूम करना है, और जो मटेरियल बाद में आया है वो बाद में कंज्यूम होगा। और लीफो का क्या है कि जो मटेरियल बाद में आया उसको पहले कंज्यूम करना है, और जो पहले आया पुराना मटेरियल है उसको बाद में कंज्यूम करना। तो मैं लीफो और फीफो के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में जो सबसे अहम चीज है किसी भी स्टोर सुपरवाइजर के लिए वो है परपेचुअल इन्वेंट्री, जिसको हम फिजिकल इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो स्टोर सुपरवाइजर को परपेचुअल इन्वेंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होती है और परपेचुअल इन्वेंट्री कैसे की जाती है। जनरली होता क्या है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, कि कुछ कंपनियां परपेचुअल इन्वेंट्री जो फिजिकल इन्वेंट्री है वो महीने में करती हैं, कुछ क्वार्टरली करती हैं, कोई साल में करती हैं, कोई 6 महीने में करती है। तो हम फिजिकल इन्वेंट्री या परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी हमारा स्टॉक आइटम्स हैं उनकी एक लिस्ट निकालते हैं कि कंप्यूटर में या हमारे स्टॉक रजिस्टर के अंदर उन आइटम्स के क्या स्टॉक लेवल्स हैं, और उसके बाद में हम उसको एक्चुअल में जो हमारे पास अवेलेबल है उसको मैच करते हैं, और जो डिफरेंसेस आते हैं उनको करेक्ट करके फिर से अपने स्टोर रजिस्टर में अपडेट करते हैं। इसके बाद में जो स्टोर सुपरवाइजर को पता होना चाहिए वो है ITR। ITR जो है ये इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। स्टोर के केस में क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैंने कई बार कई अपने जो स्टोर इंचार्ज के लिए इंटरव्यू के लिए आए कुछ कंपनीज में, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा भाई ITR क्या होता है, तो उन्होंने बोल दिया जी इनकम टैक्स रिटर्न। तो लोगों को पता ही नहीं है कि ITR क्या है। ITR का मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है और जो हमारी सेल हो रही है सेल और इन्वेंट्री का क्या रेशियो है, उसी को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाने वाला हूं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद में जो है स्टोर सुपरवाइजर को पूछा जा सकता है कि मटेरियल बिन कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों मैं मटेरियल बिन कार्ड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि मटेरियल बिन कार्ड कैसा होता है, मटेरियल बिन कार्ड कैसे भरते हैं। बेसिक बता देते हैं मटेरियल बिन कार्ड क्या है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें रियल टाइम बता देता है कि इस रैक के अंदर कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल पड़ा हुआ है, कब आया था कब गया। तो मटेरियल बिन कार्ड क्या होता है, जिस रैक के अंदर मटेरियल रखा हुआ है या जिस बिन के अंदर मटेरियल रखा होता है वहीं पे एक हम छोटा सा कार्ड बनाते हैं, उसके ऊपर सारे ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं
कब कब मटेरियल आया, कब कब गया, और उसको हम वहां पर लगा देते हैं। कोई भी उसके अंदर से अगर मटेरियल लेगा तो उसमें माइनस कर देगा, और कोई नया मटेरियल आएगा तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। डिटेल में जानने के लिए आई बटन पे क्लिक करके मटेरियल बिन कार्ड आप जान सकते हैं। इसके बाद जो स्टोर सुपरवाइजर से पूछा जा सकता है कि मटेरियल ट्रेसिबिलिटी या लॉट ट्रेसिबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, जब भी हमारे स्टोर के अंदर कोई मटेरियल आता है तो उसको हमें एक बैच नंबर देना होता है कि ये इस बैच का मटेरियल है, इस सप्लायर से आया है, और उसी के हिसाब से हम प्रोडक्शन में इश्यू करते हैं, और उसी के हिसाब से जब कस्टमर एंड पे जाता है तो उसको हम ट्रेस करते हैं। अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गई तो कि हमने इसके अंदर ये रॉ मटेरियल डाला था जिसकी वजह से दिक्कत आ गई, तो इसलिए हमें मटेरियल ट्रेसिबिलिटी या लॉट ट्रेसिबिलिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि मटेरियल ट्रेसिबिलिटी या लॉट ट्रेसिबिलिटी क्या होती है और हमें अपने स्टोर के अंदर इसे लागू करना चाहिए। सबसे जरूरी और अहम चीज आ जाती है इश्यू सिस्टम। इश्यू सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप मटेरियल अपने स्टोर के अंदर कैसे इश्यू करते हैं। तो दोस्तों, जनरली जो है वो तीन तरीके से मटेरियल इश्यू किया जा सकता है। एक तो है कोई इश्यू स्लिप आपके पास लेकर के आया कि फिजिकल इश्यू स्लिप है हार्ड कॉपी में, उसने अपने सुपरवाइजर से साइन कराया और आपके पास स्टोर इंचार्ज के पास ले आया कि मेरे को ये मटेरियल चाहिए और आपने इसको इश्यू कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि ईआरपी के अंदर हमने इश्यू के लिए रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई हमें ये मटेरियल इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए और आपने मटेरियल इश्यू कर दिया। तीसरा तरीका क्या है कि हमने सीधा स्टॉक रजिस्टर से मटेरियल जिसको चाहिए उसको इश्यू कर दिया और वहां पे उसके साइन करा लिए। तो जनरली मटेरियल इश्यू जो है वो इश्यू स्लिप के द्वारा किया जाता है कि जिसको मटेरियल इश्यू कराना है स्टोर से वो अपने सुपरवाइजर से साइन करा करके लेके आएगा और स्टोर में पर्ची जमा करा देगा और स्टोर वाला वहां से मटेरियल इश्यू कर देगा और उतनी क्वांटिटी स्टॉक में से लेस कर देगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बॉम क्या होता है। दोस्तों, बॉम की फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ मटेरियल, कुछ लोग इसको बीओक्यू भी बोलते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं और बीओएम के बारे में जान सकते हैं। यहां हम थोड़ा ब्रीफिंग जानेंगे। बीओएम क्या होता है दोस्तों, जब कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज हमें एक पैन बनाना है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, कितनी इंक लगेगी उसके अंदर, कितनी टिप लगेगी, कितनी रिफिल लगेगी, क्या ढक्कन लगेगा, क्या रबड़ लगेगी, क्या प्लास्टिक लगेगी, तो हमने सारी इंफॉर्मेशन कितनी क्वांटिटी में लगेगी, किस क्वालिटी की लगेगी, वो सारी डिटेल उसके अंदर हमने डाल दी और एक फॉर्मेट बना दिया, उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। डिटेल में जाने के लिए आई बटन क्लिक करके आप देख लें बीओएम क्या होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और मैं ऐसी ही वीडियो और भी लाता रहूं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी पहुंच सके। बेसिक, सबसे बेसिक सवाल क्या पूछा जा सकता है स्टोर सुपरवाइजर से कि 5S क्या होता है। हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें 5S के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है कि ये एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है, 5S से मिलके बना है, जिसके अंदर जो पहला स्टेप होता है सेरी, दूसरा सीटोन, सीसो, सिकेसु, सिसुके, या अगर अंग्रेजी में बात करें तो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि 5S क्या होता है। आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है 5S के बारे में और साथ ही साथ आपको अपने स्टोर के अंदर भी 5S को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। दोस्तों, एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है वो है काइजन। काइजन भी आपको पता होना चाहिए कि भाई काइजन क्या है। काइजन भी एक जैपनीज टर्मिनोलॉजी है या जैपनीज सिस्टम है जो कि हमारे कार्य विधि में, हमारे काम करने के तरीके में निरंतर सुधार के बारे में हमें सिखाता है कि अगर हम आज इस काम को इस तरीके से कर रहे हैं तो उसे हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करके बेटर तरीके पे ले जाना है ताकि हमारा काम आसान हो सके। तो यही जो सिस्टम है ये काइजन कहलाता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप ऊपर जाके आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं कि काइजन क्या होता है। दोस्तों, इसके बाद जो है स्टोर सुपरवाइजर को ये पता होना चाहिए कि इन्वेंटरी कितने प्रकार की होती है। मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं, कई बार पूछा है कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कितने प्रकार की होती है, तो जो अपने कैंडिडेट होते हैं वो जवाब ही नहीं दे पाते कि इन्वेंटरी कितने तरीके की होती है, अटक जाएंगे जी, रॉ मटेरियल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, घुमाने लगेंगे। तो आपको सिंपल याद रखना है कि इन्वेंटरी तीन तरीके की होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और WIP। रॉ मटेरियल क्या हो गया, जो हमारा मटेरियल हमने लिया
खरीदा बाहर से, उस पर हमने कोई भी प्रोसेस नहीं की, वो हमारा हो गया रॉ मटेरियल। उसके बाद अगर हमने उस रॉ मटेरियल के ऊपर एक भी प्रोसेस कर दी लेकिन वो तैयार नहीं हुआ मटेरियल, वो हो गया हमारा WIP वर्क इन प्रोग्रेस। और वही मटेरियल जब बिल्कुल डब्बा पैक तैयार हो गया, रेडी टू डिस्पैच हो गया, वो हमारा हो गया फिनिश गुड। दोस्तों एक चीज और आपसे बहुत अहम सवाल है, ये भी ये पूछा जा सकता है कि फीफो लागू करने के क्या क्या तरीके हैं। फीफो आपने बता दिया ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो अगला सवाल जो इंटरव्यूअर का आएगा वो आएगा कि फीफो लागू करने के तरीके क्या क्या हैं। दोस्तों जनरली जो वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं कुछ कुल मिला के 2-3 तरीके हैं फीफो करने के, जिसके अंदर सबसे कॉमन तरीका है वो है कलर कोड स्टिकर। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर 12 महीने हैं हमारे तो हम 12 महीनों का कलर कोड दे देते हैं। हर महीने में जो मटेरियल आया, मान लीजिए कि जनवरी में मटेरियल आया तो हमने उसके ऊपर स्टिकर लगाया और एक हरा रंग का स्टिकर लगा दिया कि ये जनवरी में मटेरियल आया था। उसके बाद जो फरवरी में मटेरियल आया उस पर हमने ऑरेंज कलर का लगा दिया। उसके बाद जो अगला मटेरियल आया मार्च में उस पर ब्लू कलर का लगा दिया। तो इस तरीके से क्या है, हमने हर महीने को एक कलर कोड दे दिया। जब वो मटेरियल हमारा रखा होगा स्टोर के अंदर और हम वहां से इशू करेंगे और हमने वहां डिस्प्ले किया हुआ है कि भाई पहले जो है मैं जनवरी वाला मटेरियल लेना और जनवरी वाले का हरा कलर है, तो हम वहां से आसानी से मटेरियल को इशू कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, फीफो रैक बना लें। फीफो रैक क्या होते हैं, टेपर रैक होते हैं इस तरीके से कि आपको एक तरफ से मटेरियल डालेंगे एक तरफ से मटेरियल निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है फीफो करने का। तीसरा तरीका क्या है कि हमने दो लोकेशंस बना दी, लॉट वन के लिए ये जगह है, लॉट टू के लिए ये जगह है, कि लॉट वन का मटेरियल आएगा तो उसको हम यहां रखेंगे, लॉट टू का मटेरियल आएगा तो हम उसको यहां पर रखेंगे। एक और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मिनिमम मैक्सिमम और रीऑर्डर लेवल क्या होते हैं। दोस्तों जब हम स्टोर के अंदर मटेरियल स्टोर करते हैं, जो भी हमारे स्टॉक आइटम होते हैं, स्टॉक आइटम क्या होते हैं, जिनको हमें स्टॉक करना जरूरी है, अपने स्टोर के अंदर रखना जरूरी है। और नॉर्मल आइटम क्या है कि भाई जब जरूरत पड़ी उसकी हमने मार्केट से मंगा लिया और लगा के कंज्यूम कर लिया। हर आइटम को तो हम स्टॉक आइटम नहीं बना सकते, तो हमने जो आइटम स्टॉक आइटम बना रखे हैं उनके मिनिमम मैक्सिमम और रीऑर्डर लेवल हमें पता होना चाहिए। तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होता है कि इस लेवल से जो हमारा स्टॉक है वो कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर इससे नीचे चला गया तो हमारी लाइन रुक सकती है। रीऑर्डर लेवल क्या है कि जब इस इन्वेंट्री लेवल पे आ जाएगा, सपोज 150 पीस जब बचेंगे तो हमारा ऑर्डर चला जाना चाहिए, ताकि जब तक हमारा मटेरियल आए तो हमारा जो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है वो बना रहे। इसके बाद मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या है कि हमने इससे ज्यादा मटेरियल स्टॉक में नहीं रखना है, क्योंकि हम ये नहीं है कि स्टॉक आइटम को कितना भी मर्जी स्टॉक करके रख लें, लाइन नहीं रुकनी चाहिए, लाइन नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक की भी एक कॉस्ट है। तो एक मैक्सिमम लेवल भी है कि इससे ज्यादा हमने स्टॉक के अंदर मटेरियल नहीं रखना, ये हमारा हो गया मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और आप कभी भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आसानी से अपना इंटरव्यू स्टोर सुपरवाइजर का निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप ये सारे सिस्टम उस कंपनी में लागू करके वहां पे स्टोर को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।